दोस्तों अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं तो 3 लाख लोगों की तरह आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस एंटरटेनमेंट की बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। मैच के मैन ऑफ द मैच बने शिखर धवन को ट्रॉफी मिलने के बाद रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस मैच को जीतने का बेहद बड़ा कारण बताया है। दोस्तों इंडिया बनाम हांगकांग के बीच में खेले गए इस चौथे मैच में टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी आई और बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 285 रन बना दिए। कहीं ना कहीं टीम इंडिया के हिसाब से ये रन कम थे। और दूसरी इनिंग में जब हांगकांग की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने आई तो बेहद कॉन्फिडेंट दिखे इनके ओपनर्स, जहां पर नज़ाकत खान अंशुमन राथ दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। 100 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप इनकी हुई, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। यहाँ तक ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया के हाथ से ये मैच छूट ना जाए, लेकिन कुलदीप यादव के 35वें ओवर में पहली बॉल पर अंशुमन राथ को कुलदीप यादव ने चलता किया और मैच में टीम इंडिया की वापसी कराई। लेकिन इसमें खास बात ये रही, रोहित शर्मा ने कहा कि मैच के इस क्रूशियल समय में रोहित शर्मा की जगह पर MS धोनी कप्तानी कर रहे थे। MS धोनी के हिसाब से कुलदीप यादव को 35वां ओवर दिया गया और जिसके चलते कुलदीप यादव को ये विकेट मिला है। तो दोस्तों अगर आपको टीम इंडिया की ये जीत पसंद आई है तो आप MS धोनी के लिए, रोहित शर्मा के लिए, कुलदीप यादव के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।